2018 में मैंने अपना दूसरा अटेम्प्ट दिया और उसमें फेल हो गया मैं, जिसके कारण से मुझे एक डिप्रेशन सा फील होने लगा था और वो डिप्रेशन मुझ पर इतना हावी हो गया कि मैं प्रिपरेशन नहीं कर पाया। यूपीएससी एस्पिरेंट में सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है मोटिवेशन फैक्टर को लेकर के, और ये कॉमन सी चीज़ें हैं कि आदमी कहीं ना कहीं अपने मोटिवेशन को खोने लग जाता है धीरे धीरे। यूपीएससी एक्चुअली बचपन से मेरा एक ख्वाब था कि समाज के लिए मैं कुछ ऐसा करूं जो कुछ हट करके रहे, और यूपीएससी हमें वो एक मौका देता है कि हम समाज के लिए अपना एक उत्कृष्ट प्रदर्शन दें, समाज को एक वेलफेयर सोसाइटी के रूप में प्रेजेंट करें। लोगों के पास मौके नहीं रहते हैं, उनको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती हैं। मैंने स्लम्स में जा करके देखा हुआ है कि वहाँ पर टैलेंटेड लोग हैं, सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं ग्राउंड जीरो पे। इसलिए यूपीएससी की तरफ मेरा रुझान हुआ कि मैं एक जिला में जिला अधिकारी बन करके जाऊंगा तो उनके लिए मैं कुछ कर सकता हूँ। कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना पड़ता ही है, और हमें अगर कुछ पाना है तो थोड़े दिन का सेक्रीफाइस अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एक औसत उम्र जो है भारत में वो 65 वर्ष है। अगर हमको 3 साल अगर आज हम स्ट्रगल कर लेंगे तो हो सकता है आने वाले हमारे 40 साल जो हैं वो बहुत अच्छे बीतेंगे। रूरल बैकग्राउंड से आने में लोगों में एक प्रॉब्लम ये आती है कि उनको रिसोर्सेज बहुत कम मिल पाते हैं, लेकिन आज इंटरनेट का युग है, हर चीज़ मिल तो रही है आसानी से। लोगों में दिक्कत यहाँ पे आ रही है कि उनको रिसोर्सेज कौन से चूज़ करने कौन से नहीं करने हैं, इसमें असमंजस आ जाता है, क्योंकि मेंटोरिंग करने के लिए वहाँ पे बहुत कम लोग मिल पाते हैं हिंदी मीडियम बैकग्राउंड में तो खासकर। और जो चैलेंजेस हैं हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से आने के, कि जब आप स्विच करते हैं इंग्लिश की ओर तो चीज़ें आपको बहुत धीरे धीरे समझ में आती हैं, उसमें आपको सतत लगे रहना पड़ता है अपने कार्य के प्रति, तो वो धीरे धीरे आपको चीज़ें अच्छी होती जाती हैं, चीज़ें समझ में आने लग जाती हैं धीरे ही सही, लेकिन आप चीज़ों को ग्रैब करने लग जाते हो। ये मेरा रूम है, इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ तो ये मैप होती है, वर्ल्ड मैप होता है, क्योंकि जो करंट अफेयर्स होते हैं इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस के, वो हमको इन्हीं में से देख करके बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलती हैं कि क्या कैसे रिलेशंस हैं। और ये मेरे पास लैम्प है, क्योंकि मैं रात में ज़्यादा पढ़ने का प्रेफर करता हूँ, इसलिए इसको मैं यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे लैपटॉप है, क्योंकि आज हम लोग इंटरनेट के युग में जी रहे हैं, तो इसके बिना मुझे जितना समझ में आता है कि हम लोग नहीं कर सकते हैं प्रिपरेशन। हम लोग यहाँ पे दो लोग मिलकर के ये फ्लैट ओन कर रखे हैं, रेंटेड है, और इसका रेंट जो है वो 20-25,000 रुपीज़ पड़ता है। इसमें इलेक्ट्रिसिटी अलग से है, वाटर एक्सपेंस अलग से है, और समथिंग अराउंड एक एस्पिरेंट को 20-25,000 रुपीज़ पर मंथ का एक्सपेंस आता है, क्योंकि उसमें आपको फूड भी इंक्लूडेड है, जो टिफ़िन यूजुअली आदमी प्रेफर करता है यहाँ पे। ये मेरे बुक्स हैं, बहुत कम है, लिमिटेड इसलिए रखा हूँ क्योंकि इसको ज़्यादा से ज़्यादा बार मैं रिवाइज़ कर पाऊँ। जैसा टॉपर्स भी अपने इंटरव्यूज़ में बोलते हैं कि आप एक बुक रखो लेकिन उसको 10 बार पढ़ो, बशर्ते 10 बुक्स को एक एक बार पढ़ने से आपको ज़्यादा उसमें नॉलेज मिलेगा। कोट्स लिखने का मुझे बचपन से ही शौक रहा है, तो मैं कुछ कोट्स लिख करके अपने सामने रखता हूँ, ये मुझे मोटिवेशन फैक्टर के तौर पे भी काम करते हैं, और इनको देख करके कहीं ना कहीं मैं अपने स्ट्रेस को भी रिलीज़ करता हूँ। जैसे मैंने इसमें लिख रखा है, फैमिली इज़ द रूट विच होल्ड्स यू इन एवरी अप्स एंड डाउन्स ऑफ योर लाइफ। यहाँ पे आप बुक्स देख रहे हैं हमारे, इन बुक्स से ऑनलाइन के साथ हम इनको मिल करके दोनों एक साथ कर सकते हैं, कि कुछ चीज़ें हमको ऑनलाइन पे नहीं मिलती हैं, उसको हमको ऑफलाइन ही पढ़ना पड़ता है। कि हमें लक्ष्मीकांत ऑनलाइन में हमको मिल जाता है, लक्ष्मीकांत का ओवरव्यू मिल जाता है, समरी मिल जाता है, लेकिन जब हम इसको खुद से पढ़ते हैं ऑनलाइन के क्लासेस करने के बाद तो ज़्यादा चीज़ें समझ में आती हैं। सीसैट यूपीएससी का एक अहम अंग है, ये क्वालिफाइंग पेपर के तौर पर आता है, और लोग इसमें गलती कराते हैं ये सोच करके कि क्वालिफाइंग पेपर है तो मैं इसको आसानी से क्लियर करूँगा।
ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताना चाहूँगा कि सीसेट में इंसान फेल जब होता है तो बहुत दुख होता है, क्योंकि आप क्वालिफाइंग पेपर में फेल हो रहे हैं, और ये तब होता है जब आप में अति उत्साह होता है कि आप सीसेट तो क्लियर कर ही लेंगे। और जिसका खामियाजा मुझे भुगतने को मिला कि सीसेट में मैं 2017 में फेल हुआ, जीएस में अच्छे स्कोर्स करने के बावजूद। लोगों का सवाल होता है कि दिल्ली ही क्यों आना है। दिल्ली में आने से आदमी को कंपटीशन देखने को मिलता है, यहाँ पे एक विविधता देखने को मिलती है, लोगों में सीखने को मिलता है, और जो अपने शहर में हमको रिसोर्सेस नहीं मिल पाते हैं, छोटे शहरों में खासकर, वो हमको यहाँ पे आसानी से मिल जाते हैं। मैं अपना मोटिवेशन जब मुझे स्ट्रेस होता है या मुझे फ्रस्ट्रेशन होने लगती है, तब मैं अपने घर पे बात करता हूँ, अपनी माँ से बात करता हूँ, अपने चाचा जी से बात करता हूँ, वो मुझे मोटिवेट करते हैं। यहाँ पे क्योंकि मेरा कोई गार्जियन नहीं है दिल्ली में, तो मैं अपना एक मेंटोर हैं दीपांशु सिंह सर, जो अनअकैडमी में भी पढ़ाते हैं और यहाँ ऑफलाइन क्लासेस भी लेते हैं, वो मेरे पर्सनल मेंटोर के तौर पे यहाँ पे मुझे गाइड करते हैं और मुझे मोटिवेट भी करते हैं, मुझे पंप करते हैं वो। तो हमें इन छोटी छोटी चीज़ों से ही अपने मोटिवेशन फैक्टर ढूंढने पड़ते हैं। कई बार हम रिक्शा वाले को भी देख करके अपना मोटिवेशन ढूंढते हैं कि हमको इतनी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रखी हैं यहाँ पे, हमको इतनी सुविधाएं मिल रखी हैं, तो क्यों नहीं हम क्रैक कर सकते हैं। हम जब देखते हैं छोटे छोटे बच्चे जो जिनको रिसोर्सेज नहीं मिल पा रहे हैं, वो स्कूल नहीं जा रहे हैं, उनसे हम मोटिवेशन ढूंढते हैं, अपने आप को मोटिवेट करते हैं कि हाँ हमको तो इतनी सुविधाएं मिली हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। और मोटिवेशन आदमी आसपास से ही अपने लेता है, छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आदमी को मोटिवेट करता है। इवन मेड मेरी आती है, वो भी कई बार मुझको मोटिवेट करके चली जाती है कि क्या भैया आप तो यहाँ पर पड़े हुए हो ऐसे, तो एक कहीं ना कहीं दिल पे लगती है कि पड़े हुए नहीं हैं हम, तो लगे हुए हैं, क्रैक हमको करना है, सो लेट्स क्रैक इट। तो इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों से हमें मोटिवेशन मिलती है और एस्पिरेशन होती है कि हम भी किसी को इंस्पायर कर सकें। सो आई एस्पायर टू इंस्पायर।